साल 2017 जाने में बस कुछ दिन का समय ही बाकी है। फिर हम नए सिरे से नए साल 2018 का स्वागत करने को तैयार हैं। 2017 में टीवी के कई स्टार्स और शोज विवादों में रहे। कपिल शर्मा से लेकर पीयूष सहदेव तक ने विवादों की वजह से खूब सुर्खियां बनाई। आइए जानते हैं साल 2017 में ऐसे बड़े विवाद जिन्होंने दर्शकों और टीवी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। कपिल शर्मा, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा इस साल कंट्रोवर्सी में ही फंसे रहे। मार्च में ऑस्ट्रेलिया से लौटते वक्त सुनील ग्रोवर से लड़ाई के बाद कपिल लगातार गलत वजहों से सुर्खियों में रहे हैं। सुनील के कपिल का साथ छोड़ जाने के बाद द कपिल शर्मा शो की टीआरपी लगातार घटती गई। इसके बाद कपिल के अपने शो के सेट पर लगातार बीमार होने की खबरों और शो के सेट से शाहरुख खान से लेकर अजय देवगन के बिना शूट किए जाने की खबरों ने उन्हें विवादों में लाकर रख दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन फिर अचानक द कपिल शर्मा शो के ऑफ एयर होने से कपिल के फैंस शॉक्ड रह गए। पहरेदार पिया की इस साल सबसे ज्यादा जिस टीवी शो को लेकर हंगामा हुआ वो शो था सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला विवादित शो पहरेदार पिया की। इस शो के कंटेंट को लेकर दर्शकों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। शो में एक 9 साल के लड़के की शादी 18 साल की लड़की से होते दिखाया गया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब शो में सुहागरात वाले सीन की बारी आई तो दर्शकों का गुस्सा बढ़ गया, जिससे कहानी को लेकर विरोध इतना तेज हो गया कि इस शो को बीच में ही बंद करना पड़ा। अक्षय कुमार मलिका दुआ स्टार प्लस के शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के सुपर जज अक्षय कुमार ने शो में कॉमेडियन मलिका दुआ को लेकर कुछ ऐसा कमेंट कर दिया जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रोवर्सी में आ गए। अक्षय का कमेंट मलिका और उनके पिता और मशहूर जर्नलिस्ट विनोद दुआ को नागवार गुजर गया। विनोद दुआ ने अक्षय कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कमेंट पर आपत्ति जताई। विनोद ने कहा कि उन्होंने उनकी बेटी के लिए काफी भदे, अश्लील और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। दरअसल पूरा वाक्या शो में तब हुआ जब अक्षय ने बेल बजाते हुए कहते हैं, आप घंटी बजाओ मैं आपको बजाता हूँ। पीयूष सहदेव सोनी टीवी पर आने वाले पॉपुलर सीरियल बेहद फेम पीयूष सहदेव तब विवादों में घिर गए जब उन पर एक युवती ने रेप का आरोप लगाया। इसके बाद पीयूष को मुंबई पुलिस ने रेप के आरोप में गिरफ्तार किया था। मुंबई की वर्सोवा पुलिस स्टेशन ने शिकायत मिलने पर पीयूष को गिरफ्तार किया था और फिर कोर्ट ने पीयूष को 27 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा था। बाद में यह खबर भी सामने आई कि पीयूष के ऊपर लगे रेप के आरोप मेडिकल टेस्ट में कन्फर्म हो गए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी की दुनिया के सबसे पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा को लेकर भी 2017 में एक बड़ा विवाद सामने आ गया, जिसके बाद शो को बैन करने की भी मांग उठने लगी। दरअसल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर ईशनिंदक कृत्यों का चित्रण करने का आरोप लगाते हुए इस पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। कहा गया था कि सोढ़ी की भूमिका निभाने वाले अभिनेता गुरुचरण सिंह सिखों के 10वें गुरुवार गोविंद सिंह के जीवित स्वरूप का चित्रण कर समुदाय को ठेस पहुंचाई है और ऐसा करना सिख सिद्धांतों के खिलाफ है। बाद में शो के निर्माता ने ऐसे सीन को शूट किए जाने की खबरों से इनकार किया था और साफ कहा था कि हमारे शो में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। मंदाना करीमी बिग बॉस कंटेस्टेंट रही मॉडल मंदाना करीमी तब सुर्खियों में आ गई जब उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा दिया, जिसके बाद वो कई दिनों तक खबरों में रही, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट वापस ले ली। अब मंदाना और उनके पति गौरव गुप्ता अब अलग रहते हैं। खबरों के मुताबिक गौरव मंदाना से जल्द तलाक लेने वाले हैं।